गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विश्व भारती शिक्षा सदन बीएच रास्ता भोजपुर के मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 9 का मैथमेटिक्स का क्लास है। जैसा कि आप जानते हैं 13.3 पढ़ाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 तक कल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 आज लिखे हैं बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए, व्हाट लेंथ ऑफ द टारपोलिन 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Assume that the length of the material that will be required for stitching, margin and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. मैंने कह रहा है कि एक कॉनिकल टेंट बनाना है आपको, इस तरह का कॉनिकल टेंट आपको बनाना है। कॉनिकल का इसका आपको ये कितना इसका ऊंचाई दिया हुआ है, 8 मीटर इसका ऊंचाई दिया हुआ है, 8 मीटर, और इसका रेडियस दिया हुआ है 6 मीटर, 6 मीटर रेडियस दिया हुआ। अब इसको टॉर्पिलिन से बनाना है, ऊपर से ढकना है, उस मतलब समझ लें कपड़ा का थान है, उसी तरह का टॉपलिन है। तो इसका ये जो है, ये चौड़ाई जो है इसका, ये जो लगेगा, मान लीजिए इतना मीटर आपको कपड़ा लगेगा, इतना मीटर टारपोलिन ये लगेगा, उसमें लग रहा है। इसका लंबाई L1 माने हैं और इसका चौड़ाई दिया हुआ है 3 मीटर, 3 मीटर चौड़ाई है। तो पूछ रहा है कि इसको ऊपर से ढकने में कितना टॉर्पिलिन लगेगा, उसका चौड़ाई दिया हुआ 3 मीटर, 3 मीटर उसका चौड़ाई है। तो कहने का और वह कह रहा है कि अज्यूमिंग दैट द लेंथ ऑफ द मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन, मैंने इसको सिलाई वगैरह करने में 20 सेंटीमीटर जो लंबाई जो है वो खर्च हो जाता है सिलाई वगैरह करने में, तो आपको टर्पलिन का लंबाई मालूम करना है कितना मीटर लंबा लगेगा। तो देखिए आपको यहां पर इसका कर्व सरफेस एरिया निकालिए, कर्व सरफेस एरिया निकालिएगा, कर्व सरफेस एरिया जितना होगा उतना ही टर्पलिन लगेगा, लेकिन उसमें 20 सेंटीमीटर नुकसान हो जाता है, वेस्टेज हो जाता है। तो उस वेस्टेज के लिए जितना लगेगा, मान लीजिए L मीटर, L1 मीटर लग रहा, तो उसमें 20 सेंटीमीटर इतना समझिए कि नष्ट हो गया, इतना आपका नष्ट हो गया सिलाई वगैरह में। तो वास्तव में आपका L1 माइनस 0.2 सेंटीमीटर ही आपका लगा टेंट को कवर करने में। इसका मतलब हुआ कि इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा जितना लगा है, इसका एरिया जो होगा इसके कर्व सरफेस के एरिया के बराबर होगा। तो इसका एरिया को कर्व सरफेस एरिया के बराबर कर दीजिएगा, आपका L1 का मान आ जाएगा। तो ये देखिए, हाइट ऑफ द कॉनिकल टेंट 8 मीटर, रेडियस 6 मीटर, सेलेंट हाइट निकालना है पहले, काहे कि फॉर्मूला में पाई आर एल होता है, तो सेलेंट हाइट रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच के जगह आर 8 स्क्वायर, आर के जगह 6 स्क्वायर, आर स्क्वायर के जगह पर ये हो गया 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर सेलेंट हाइट बराबर 10 मीटर। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट क्या होता है, पाई आर एल, पाई का 3.14 ये दिया हुआ मान इसमें क्वेश्चन में यही रखिएगा, 3.14, आर का मान 6 है, एल का मान 10 मीटर निकला है, इतना हो गया। तो कर्व सरफेस एरिया इतना हो गया। अब मान लीजिए कि लेट द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द टारपोलिन बी L1 मीटर, L1 मीटर का जरूरत होता है। अब यहां पे लिखे है इफेक्टिव लेंथ ऑफ द टारपोलिन, इफेक्टिव कि कितना, मतलब कि इसको वास्तव में इसको कवर करने में कितना टारपोलिन लंबाई का लगा, तो उसमें से 20 सेंटीमीटर घटा दिए, तो 20 सेंटीमीटर बटे 100 मीटर बना दिए, घटा दिए, तो इतना ही वास्तव में लंबाई इसको कवर करने में लगा, इसलिए इसको लिखे इफेक्टिव लेंथ ऑफ टारपोलिन। तो इफेक्टिव लेंथ इसका एरिया कितना हो जाएगा, इतना, तो इतना में चौड़ाई से गुना कर दीजिए,
तो थ्री गुणे है एल वन माइनस पॉइंट टू। तो एरिया ऑफ द टर्पलिन वाई वाई जो चौड़ाई है इसका और लेंथ, तो थ्री गुणे L1 माइनस 0.2 मीटर स्क्वायर। अब यही एरिया जो है उसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये वाला बराबर हो गया कर्व सरफेस एरिया जो लिखे यहाँ आया है। अब तीन से भागा दे दे तो L1 माइनस 0.2 बराबर आ जाएगा 62.8। तो L1 बराबर क्या हो जाएगा, उधर प्लस हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 63 मीटर। तो यही उसका ये पूरा लंबाई यहाँ से यहाँ तक निकल गया और यही पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू।